कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा के बेटे रवि नंदन सिंह बाजवा नूं गुरदासपुर तो जिला परिषद का चेयरमैन चुनिया गया, जिस तो बाद अज उन्हां दी ताजपोशी दे लई कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा अते कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे। इस मौके कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश पुरब मनाए जाने कहा कि उन्हों का श्रोमणी कमेटी नाल कोई मतभेद नहीं है ते उन्हों का मतभेद श्रोमणी अकाली दल नाल है ते जे करतारपुर साहिब ते आ के सुखबीर बादल श्रोमणी कमेटी की गल करनगे तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल 550 साल प्रकाश पुरब से करवाए जा रहे समागम से अपना कब्जा जमाना चाहती है। श्रोमणी कमेटी ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कोई मतभेद नहीं गए, मतभेद श्रोमणी अकाली दल नाल अकाली दल नाल है। असी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल कदे भी अपने मतभेद सरकार ने नहीं रखे, सिर्फ उत्थे मतभेद है जे डेरा बाबा नानक आ के सुखबीर बादल एस जी पी सी की गल करेगा वो कभी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ये एक अकाली एक ग्रुप है एक पार्टी है, जे एक पार्टी जी कब्जा करनी चाहती है वह कब्जा जरा कभी भी बर्दाश्त नहीं करा। जे अकाली दल का प्रेजिडेंट उस स्टेज पर कहता कि साढ़े को कब्जा होना चाहिए वो उत्ते बीजेपी के प्रधान साहबान भी बैठन के नाल आम आदमी पार्टी भी और एल आई पी जी लेपे वह भी प्रधान बैठेगा और बाकी सी पी आई सी पी एम जिन् पार्टियां ने बहुजन समाज पार्टी वो मैं कहा जो उस वे गया कि सारे बैठने ये सर्व साझी वालता का उद्देश्य कल अकाली दल का नहीं। अवतार सिंह की रिपोर्ट दैनिक सवेरा टीवी। पंजाब के चार विधानसभा हलकों होने जा रही जिमनी चोण की हर अपडेट जानने देखो हर शाम 4 बजे सियासी 4।